राधे राधे जय श्री कृष्णा आइए आज हम कार्तिक मास का तीसवा और इकतीसवा अध्याय सुनेंगे साथ ही इसके अंदर हम कार्तिक स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का तीसवा अध्याय सुनते हैं भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय नारद जी के वचन सुनकर महाराजा प्रथु बड़े ही विस्मित हुए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन किया और उनको विदा किया इसीलिए माघ मास कार्तिक मास और एकादशी के व्रत मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं वनस्पतियों में तुलसी महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में कार्तिक मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है जो प्राणी विधिवत इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सारे पाप दूर हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ आपने आज मुझे बड़े ही आश्चर्यजनक बात कही है। दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको सबसे अधिक प्रिय है जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के, के पुण्य से ही नष्ट हो गया दूसरे मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है कृपया करके आप मुझे यह विस्तार से सुनाइए तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म के द्वारा मिलता है वह सब मुझसे सुनो सतयुग में देश ग्राम और कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है संसर्ग से जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं उनकी व्यवस्था तुम सुनो वेद पढ़ाना यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है स्पर्श करने भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवा भाग मिलता है दर्शन करने सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का दसवां अंश मिलता है दूसरे की निंदा करने चुगली करने धिकार करने से उसका सातवां भाग मिलता है पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग पा लेता है और अपना पुण्य उसे देता है नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उससे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल को जो व्यक्ति लांग कर चला जाता है वह जिसकी पतल उसने लांगी है, अपने पुण्य का छठा भाग देता है स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का छठवा भाग उसे देता है जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है ठीक उसी तरह जिस तरह के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है जो व्यक्ति दूसरे का धन चुरा कर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं शिक्षा देने वाला सलाह देने वाला सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है राजा के पाप और पुण्य के शटांश का भोगी होता है गुरु शिष्यों का पति पत्नी का पिता पुत्र का स्त्री पति के लिए पत्नी का पिता पुत्र का स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग लेती है जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को पाता है इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं किंतु तो यह नियम जो कि मैंने बताए कलियुग में लागू नहीं होते कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगना पड़ता है इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र है और बुद्धि को शुद्ध करने वाला है उस कथा को तुम ध्यान से सुनो आइए अब हम इकतीसवा अध्याय सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण सत्य से आगे बोले कि हे प्रिय प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था वह रस चमड़ा कंबल आदि का व्यापार करता था वह और मद्यपान आदि अनेक बुरे कर्म करता चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमा करता था एक दिन वह महिष्मीपुरी जो राजा महिष ने बसाई थी ऐसी नगरी में वह व्यापार के सिलसिले में गया उस नगरी में पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए अनेक यात्री कार्तिक व्रत कर रहे थे स्नान कर रहे थे उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा हुआ देख कर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमने लगा एक महीने तक वह वहीं ठहर गया और अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को और तीर्थ यात्रियों को पूजा पाठ करते हुए देखने लगा वह यह देखता कि कोई तो वेद शास्त्रों का पाठ कर रहा है कोई विष्णु मंत्रों का जाप कर रहा है कोई सुन रहा है कोई भगवत कीर्तन कर रहा है कोई भजन गा रहा है कोई सुन रहा है कोई कार्तिक मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुन रहा है कोई तुलसी की माला का जाप कर रहा है तो कोई तुलसी की पूजा पाठ कर रहा है कोई सूर्य नारायण भगवान को अर्ध दे रहा है वह धनेश्वर वहीं भगवत भक्तों के बीच रहा और विष्णुओं के दर्शन करता रहा और उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखता रहा उनको स्पर्श करता रहा उनसे बातें करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण को देखता रहा उसने कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोगों को व्रत करते हुए देखा ये देखा कि लोग ब्राह्मणों को और गौं को भोजन करा रहे थे दीप दान कर रहे थे उन्हें अन्न वस्त्र रुपया का दान कर रहे थे उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीप दान होते हुए देखा। त्रिपुर नामक शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं जो मनुष्य में और शंकर भगवान में अंतर मानता है उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है धनेश्वर भी वहां पूरे एक महीने तक कार्तिक मास की कथा कहानियों को और पूजा पाठ को करते हुए देख रहा था इधर उधर घूम रहा था तब एक रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा और बुरी तरह से तड़पने लगा उसकी यह दशा देखकर कर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया उन्होंने उसके मुंह में तुलसी मिश्रित नर्मदा का जल उसके शरीर पर डाला और थोड़ा सा जल उसके मुंह में डाला उसी समय उसके प्राण निकल गए तभी यम उसे नागपाश में बांधकर मुग्धरो से मारते हुए यमपुरी में ले गए उसे देखकर चित्रगुप्त जी ने यमराजी से कहा कि हे धर्मराज जी इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक अनेक बुरे कर्म किए हैं इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है यदि मैं पूरे एक वर्ष तक इसके पाप के कर्मों को सुनाता रहूं, तो इसके पापों की सूची तभी भी समाप्त नहीं होगी यह इतना बड़ा महापापी है अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए चित्रगुप्त जी की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाया और अपने यमदूतों को आज्ञा दी कि इसे ले जाओ और मुग्धरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाओ और इसे गरम खोलते तेल के कड़ा में डाल दो तब यमदूतों ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए ले गए और कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए गर्म तेल के कड़ा में डाल दिया यमदूतों ने जो ही उसे तेल के कड़ा में डाला तो लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से अग्नि ठंडी हो गई थी यह विचित्र घटना देख कर ने यमराज के पास जाकर पूरा हाल कह सुनाया यमराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे कि उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद मुनि नरक में यमराज जी के पास पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हे जी यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है क्योंकि इसने मरने से एक महीने पहले कार्तिक मास में अनेक शुभ कार्य किए जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं उनसे वार्तालाप करते हैं उनका स्पर्श करते हैं चाहे उन्होंने अपने जीवन काल में कितने ही पाप क्यों न किए हों वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं इस व्यक्ति ने पूरे कार्तिक मास में नर्मदा नदी के तट पर ब्राह्मणों साधु संतों और तीर्थ यात्रियों को पूजा करते हुए देखा दीप दान करते हुए देखा और उनके साथ बैठकर कार्तिक मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुना इसलिए इसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए हैं अब यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी हो गया है अतः यह धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है अतः यह पुण्य आत्मा है से आगे कहा कि जब नारद जी ऐसा कर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से आगे बोले कि हे सत्यभामा संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है इन पाप कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलती किस पाप कर्म का फल किस योनि में भुगतना पड़ता है यह उस कर्म पर निर्भर करता है अगर पाप कर्म ज़्यादा है तो उसे भुगतना ही पड़ता है मनुष्य विधवा स्त्री सती साध्वी को अगर कोई परेशान करता है तो वह अगले जन्म में भेड़िया फिर कुत्ता फिर गिद्ध और सियार इन जन्मों के जन्म लेने के बाद ही वह मनुष्य योनि को पाता है जो पुरुष अपने पिता सामान बड़े भाई के धन का हिस्सा धोखे से हड़पता है वह क्रोच नामक पक्षी की योनि में जन्म लेता है चोरी करना महापाप है अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में एक बार भी चोरी करता है तो वह छचुंदर की योनि में जन्म लेता है किसी भी जीव की हत्या घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है फिर हत्या चाहे छोटी सी चीटी की ही क्यों न हो अगर कोई अपने की हत्या धोखे से करता है तो वह 200 सौ बरस तक गधे की योनि को प्राप्त होता है जो मनुष्य हमेशा दूसरों की मदद करता है पशु पक्षियों जीव जनावों पर दया भाव रखता है गरीबों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वह मनुष्य हर जन्म में मनुष्य की योनि ही पाता है अगर मनुष्य इस जन्म में सादा जीवन जीता है कोई पाप कर्म नहीं करता लेकिन पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल तो उसे इस जन्म में भोगना ही पड़ता है पूर्व जन्म के पाप एक बीज के रूप में पनपते रहते हैं जिन्हें भोगे बिना मनुष्य सुख नहीं पा सकता बुरे कर्मों को भोगने के लिए उनका पुनः जन्म होता है अगर पाप कर्म कम है तो वह मनुष्य उसी जन्म में भोग लेता है लेकिन अगर मनुष्य के पाप ज्यादा और पुण्य कम है तो उन्हें अगले जन्म में उसे भोगना ही पड़ेगा जो मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं घर से बेदखल करते हैं उन्हें धर्म राज जी खुद सजा देते हैं उन्हें गरम तेल के कड़ा में तब तक डुबोया रखा जाता है जब तक कि उनकी चमड़ी पूरी तरह से जल नहीं जाती हे सत्यभामा जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे हर जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है मनुष्य के चार कर्म होते हैं पहला काम्य कर्म ऐसे कर्म जो किसी मकसद से किए जाएं दूसरा निष्काम्य कर्म जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए तीसरा संचित कर्म अर्थात प्रारब्ध के सहज हुए कर्म चौथा निषिद्ध कर्म अर्थात ऐसे बुरे कर्म जिन्हें किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है इसी तरह हमारे सुख दुख भी अच्छे और बुरे कर्मों का ही नतीजा है सबसे बड़ा पाप जीव हत्या है और एक अबला नारी की इज्जत लूटना यह सबसे बड़े पाप की श्रेणी में गिना जाता है पाप कर्मों से मुक्ति का बहुत सरल उपाय है कार्तिक मास के नियमों का धारण करना कार्तिक स्नान करना व्रत करना और दान पुण्य करना हे सत्यभामा, कार्तिक मास में जो मेरा पूजन करता है स्तुति करता है और महादेव जी पर जलाभिषेक करता है उसके जीवन भर के सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है गोहत्या के पाप घोर पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं इसका दंड मनुष्य के पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है लेकिन अगर अज्ञानतावश गोहत्या हो जाए और वह मनुष्य प्रायश्चित कर ले तो वह इस पाप दोष से मुक्त हो सकता है उस मनुष्य को रोज गायों की सेवा करनी चाहिए रोज गौशाला में गायों को हरा चारा चना और गुड़ खिलाना चाहिए और गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर भगवान श्री कृष्ण सत्य से बोले कि हे सत्य इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि मनुष्य को अपने कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती हे सत्य मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ कलयुग में मनुष्य को अपने पाप कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती यह तुम्हें इस कथा को सुनने से ज्ञात हो जाएगा एक बार एक ब्राह्मण था वह हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहता था वह हमेशा कार्तिक स्नान और व्रत किया करता था और ज़रूरतमंदों को दान दिया करता था उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी उसके चार बेटा बहू और ढेर सारे पोते पोती से भरा हुआ परिवार था जब उसके हाथ पैर चलते थे तो सब उसका कहना मानते थे धीरे धीरे उसके शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया बेटा बहू ने उसे कमरे में से निकाल कर घर के आंगन में एक खाट डालकर उसे सुला दिया अब वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही शोच आदि करने लगा कुछ दिनों तक तो उसके बेटे और पोते उसकी सेवा करते रहे उसके बाद बेटे पोते और बहू ने उसके पास आना बंद कर दिया वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही शोच आदि करने लगा तब उस ब्राह्मण ने मुझे याद किया और बोला कि हे प्रभु मेरी गति इतनी बुरी क्यों हुई जबकि मैं तो हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करता था और खूब दान पुण्य करता था मैंने तो अपने जीवन काल में किसी को कोई दुख नहीं दिया फिर मेरी इतनी दुर्गति क्यों हो रही है हे प्रभु हे हरि आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते तब हे सत्य तभी उसके पास एक लड़का आया वह अपने कोमल हाथों से उसका सारा काम करने लगा उसे सोज आदि से निवृत्त कराकर उसे साफ कपड़े पहनाता उसे अपने हाथों से भोजन कराता और पलंग पर सुला देता इस तरह वह लड़का रोज उस ब्राह्मण की सेवा करने के लिए जाने लगा तब एक रात ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि मेरे बेटे पोते तो आवाज़ लगाने पर भी मेरे पास नहीं आते फिर मेरी सेवा करने के लिए कौन आता है तब एक रात उस ब्राह्मण ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोला कि हे पुत्र तुम कौन हो तुम क्यों मेरी सेवा करते हो आज तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी हे सत्य वह लड़का कोई और नहीं मैं स्वयं था मैं स्वयं उसकी सेवा करने के लिए जाता था तब मैंने उसे अपना वास्तविक रूप दिखाया तो वह हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु आप मेरे गंदे काम करने के लिए मुझे सोच आदि से निवृत्त कराने के लिए क्यों आते हैं हे प्रभु आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं देते इससे तो अच्छा यह होता कि आप मुझे उठा ही लेते तब हे सत्य भामा मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव प्रारब्ध भुगते बिना मनुष्य की मृत्यु नहीं हो सकती प्रारब्ध तो तुम्हें भुगत नहीं ही पड़ेंगे हे ब्राह्मण देव तू हर समय मेरे नाम की स्तुति करता था हर साल कार्तिक स्नान व्रत करता था इसीलिए आज मैं तेरी सेवा करने आता हूँ तब वह ब्राह्मण बोला कि हे हरि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं आप अपनी कृपा से मेरे प्रारब्ध को क्यों नहीं काट देते ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए तब मैंने उसे कहा कि हे ब्राह्मण मेरी कृपा से तेरे प्रारब्ध तो कट जाएंगे लेकिन पुनः जन्म लेने पर तुम्हें फिर से इन्हें भोगने पड़ेंगे इसलिए हे ब्राह्मण देव मैं चाहता हूँ कि तू अपने प्रारब्ध को इसी जन्म में भोग ले ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए हे सत्यभामा कलयुग में मनुष्य को अपने कर्मों को खुद ही भोगना पड़ता है कार्तिक मास के इस अध्याय में आज हम कार्तिक स्नान के पुण्यफल की कथा सुनेंगे आइए अब हम कार्तिक मास के इस अध्याय में फल वाली एक कथा सुनते हैं एक बार बहुत छोटा सा गाँव था उस गांव में कई जाति धर्म के लोग रहते थे उसी गांव में एक अमीर और एक गरीब पड़ोसन थी गरीब पड़ोसन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी वह हर साल कार्तिक स्नान करती तारों की छाओं में स्नान करती और शाम को तारों की छाओं में ही व्रत खोलती थी और अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों में दान पुण्य भी किया करती थी जबकि अमीर पड़ोसन बड़ी ही झगड़ालू घमंडी प्रवृत्ति की थी एक बार उनके गांव में अकाल पड़ गया कई सालों से बरसात नहीं हुई तो गांव के सभी लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई कोस दूर जाना पड़ता था तब एक बार अमीर और गरीब पड़ोसन दोनों ही पानी लेने के लिए पैदल पैदल जा रही थी तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने वृद्ध दंपति का वेश बना कर के रास्ते में जाकर बैठ गए जब वे दोनों पड़ोस ने पानी लेकर घर जा रही थी तो वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनसे पीने का पानी मांगा तो अमीर पड़ोसन ने झट से इनकार कर दिया और बोली की अरे बाबा हम इतनी दूर से पीने का पानी लाए हैं और तुझे पिला दे। अगर तुझे पानी पीना है तो तू खुद क्यों नहीं चला जाता तब वृद्ध कि बेटी मैं बहुत वृद्ध और बीमार हूँ अगर मैं चल करके जाऊंगा तो मैं प्यास से तड़प करके मर जाऊंगा तभी गरीब पड़ोसन ने कहा कि बाबा आप मेरी मटकी में से पानी पी लो तब गरीब पड़ोसन ने दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पानी पिलाया जब वे पानी पी चुके और जाने लगे तो भगवान विष्णु ने पुनः उनसे कहा कि बेटी मेरी झोपड़ी यहीं पास में है क्या तुम मेरी मटकी में भी रोज एक मटका पानी भर दिया करोगी तब गरीब पड़ोसन ने कहा कि माँ बाबा आप चिंता मत करो मैं रोज आपके भी एक मटकी जल भर दिया करूँगी अमीर पड़ोसन ने सुना तो वह मुँह बनाती हुई चली गई इस तरह से गरीब पड़ोसन रोज कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के वेश में उस गरीब दंपति की झोपड़ी में रोज एक मटकी पानी भरने लगी इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया इस तरह पूरे कार्तिक मास में गरीब पड़ोसन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की झोपड़ी में रोज एक मटकी पानी भरने लगी इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब गरीब पड़ोसन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की झोपड़ी में पानी का मटका भरने के लिए गई वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु ने गरीब पड़ोसन से कहा कि बेटी मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ तूने पूरे एक महीने तक बेटी तूने पूरे कार्तिक मास में हम दोनों के लिए पीने का पानी भरा बेटी मेरे पास तीन कलश है एक चांदी का एक सोने का और एक मिट्टी का तुम इन तीनों में से जो भी कलश चाहो तुम ले जा सकती हो गरीब पड़ोसन ने सोचा कि मैं चांदी और सोने का कलश लेकर क्या करूंगी? तब उसने मिट्टी का कलश ले लिया वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु यह देख कर बहुत प्रसन्न हुए जब गरीब पड़ोसन मटकी लेकर घर आई तो उसने मटकी को उल्टा रख दिया और रात्रि में सो गई सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने पानी भरने के लिए वही मटकी उठाई तो उसके नीचे उसे खूब सारे सोने चांदी हीरे मोती का ढेर मिला गरीब पड़ोसन कुछ ही दिनों में अमीर हो गई जब उसकी अमीर पड़ोसन को पता चला तो वह गरीब पड़ोसन के पास भागी भागी आई और उसकी अमीरी का राज पूछने लगी तो उस भोली भाली गरीब पड़ोसन ने पूरी सच्चाई बता दी उसी समय वह अमीर पड़ोसन उस वृद्ध दंपति की झोपड़ी पर पानी का मटका लेकर पानी का मटका भर कर पहुँच गई और बोली कि अरे बाबा मुझे माफ़ कर दो उस दिन मैंने आप दोनों को पानी पिलाने से इनकार कर दिया अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मैं आपके लिए रोज पीने का पानी भर कर ला दूंगी वृद्ध दंपति वेश में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे और बोले कि बेटी ठीक है अगर पानी ले ही आई हो तो मेरे मटके में पानी भर दो अमीर पड़ोसन ने मटकी भर दी और खुद की खाली मटकी को जानबूझकर दीवार से अड़ा करके फोड़ दी और झूठ मूठ में रोने लगी वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस अमीर पड़ोसन से कहा कि बेटी मटकी ही तो फूटी है तुम क्यों रोती हो तो वह अमीर पड़ोसन बोली कि बाबा मेरी सास और ननद बहुत खराब है वो मुझे मटकी के लिए बहुत ताने देंगी और मेरे साथ झगड़ा करेंगी और मुझे खाने को भोजन भी नहीं देंगी व्रत व्यक्ति वेश में भगवान विष्णु ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि इसके तो कोई सास ननद ही नहीं है और यह तो बहुत अमीर है मटकी फोड़ने के पीछे का रहस्य भी उन्होंने पता लगा लिया तब वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्री मेरी झोपड़ी में तीन मटकियाँ पड़ी हैं तुम इनमें से कोई सी भी मटकी ले जाओ अमीर पड़ोसन ने देखा कि वहाँ एक चांदी की एक सोने की और एक मिट्टी की मटकी रखी हुई थी अमीर पड़ोसन ने उन तीनों मटकियों को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि मेरी पड़ोसन तो पागल थी जो मिट्टी की मटकी लेकर चली गई मैं तो सोने की मटकी लेकर जाऊंगी तुरंत अमीर पड़ोसन ने सोने की मटकी उठा ली और घर आ गई उसने भी घर आकर सोने की मटकी को उल्टी रख दी पूरी रात अमीर पड़ोसन को नींद ही नहीं आ रही थी वह पूरे समय यह सोच रही थी कि अब तो वह भी अमीर हो जाएगी उसे भी मटकी के नीचे से सोने चांदी हीरे मोती का ढेर मिलेगा सुबह वह जल्दी ही उठ गई उसने जैसे ही सोने की मटकी उठा कर के देखी तो वहाँ सांप बिच्छू जहरीले कीड़े ही कीड़े हो गए जो कि देखते ही देखते पूरे घर में फैल गए वह भागी भागी उसी वृद्ध दंपति की झोपड़ी पर पहुंची लेकिन वहां उसे कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दी चारों तरफ धूल ही धूल वीरान जंगल पड़ा था अमीर पड़ोसन वहां बैठकर रोने लगी तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे लालची औरत तूने अपनी जिंदगी में किसी का भला नहीं किया न किसी प्यासे को पानी पिलाया न किसी भूखे को भोजन खिलाया और नहीं किसी नंगे को वस्त्र पहनाए ही तूने व्रत उपवास दान पुण्य किया अब मैं तेरे घर में से सांप बिच्छू तभी हटाऊंगा जब तू अपने धन में से आधा धन गरीबों में दान करेगी उसके बाद उस अमीर पड़ोसन ने अपने धन में से आधा धन गरीबों में दान किया तभी भगवान विष्णु ने उसके घर में से सांप बिच्छू कंचले हटा दिए हे विष्णु भगवान जैसे आपने गरीब पड़ोसन को कार्तिक मास का स्नान और व्रत का फल दिया उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया वैसा सबका करना कहानी कहने वाले का सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का घटती हो तो पूरी हो पूरी तो परवान चढ़े भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान के व्रत की कथा सुनाई आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी ईश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य समस्त भाव को त्याग कर कर्म करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं अर्थात संसार में रहकर भी वे मुक्त रहते हैं कर्म अथवा नित्य और नैमिचित कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को करने ही पड़ते हैं परंतु कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए और न ही उनसे किसी प्रकार के फल की इच्छा रखनी चाहिए प्रत्येक कर्म भगवान विष्णु के अर्पण करके ही करना चाहिए भगवान विष्णु को अर्पण करके प्रत्येक कर्म करने से मनुष्य को कर्म फल नहीं लगता अतः कृष्ण भगवान को ही सब देवताओं में उत्तम तथा देवताओं के भी देवता मानकर उनके निमित्त ही सब कर्म करने चाहिए वही शुभ कर्म माने जाते हैं मनुष्य जब तक ही इस भूमंडल में जन्म लेता है और तब तक ही माता के गर्भ में आता है जब तक भगवान की भक्ति उसे प्राप्त नहीं होती परंतु भक्त ज्ञान को प्राप्त होकर शीघ्र ही वह मुक्त हो जाता है भगवान की भक्ति तथा ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होता है वह अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता जिसने इंद्रियों का दमन करके मन को वश में कर लिया मानो उसने सारे संसार को जीत लिया हो जिसने गुरु के उपदेश से सब को ब्रह्मपुत्र समा लिया है वैज्ञानी बहुत शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है इस प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ ही परम पद को प्राप्त होता है इस मोक्ष रूपी पुरी में प्रवेश करने के लिए अच्छे विचार संतोष साधु संगम ज्ञान ये चार द्वार हैं जिसने भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके सब भ्रम दूर हो जाते हैं और क्षण भर में सबके सब पाप नष्ट हो जाते हैं इसलिए राग द्वेष क्रोध आलस्य आदि का त्याग करके जो सब जीवों पर दया करता है तथा अपने आचार विचार को शुद्ध रखता है वही योगी है इस ममता को जिसने त्याग रूपी अग्नि में जला दिया तथा क्रोध और लोभ को छोड़कर भगवान के चरणों में जिसने अपना मन लगा लिया वही धन्य है इस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल करके सदैव भगवान विष्णु की उपासना करते रहे उसी से उसका जीवन सफल माना जाता है और वह संसार चक्र से छुटकारा पाकर जन्म मरण के दुख से छूट सकता है कार्तिक मास में द्वादश अक्षर मंत्र के जपने से भ्रम आदि देवता मैं और बड़े बड़े ऋषि पर भ्रम को प्राप्त होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है ईश्वर कहते हैं कि जो कोई भी कार्तिक मास में इस महात्म्य को सुनता है सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है जप तप नियम आदि कार्तिक मास में देवताओं को भी दुर्लभ है कार्तिक मास में सैकड़ों अश्वमेघ और हजारों वाजपेयी यज्ञ भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद इतनी कथा कहकर श्री शंकर भगवान पार्वती और स्वामी कार्तिक सहित मंदराचल पर्वत पर निवास करने के लिए चले गए पार्वती जी और शंकर भगवान स्वामी कार्तिकेय को अति प्रेम करने लगे और स्वामी कार्तिकेय भी रक्त रंग वाला तेजस्वी और बलवान हुए शिव के दूसरों गणों सहित कभी गाता हुआ कभी नाचता हुआ तथा गंगा जी के किनारे पर विचरण करता रहा तब इंद्र आदि सभी देवता तारकासुर राक्षस से दुखी होकर शिव जी की शरण में आकर उनकी स्तुति करने लगे ताड़का सुर के वध की प्रार्थना करने लगे तब शंकर भगवान ने स्वामी कार्तिकेय को राक्षसों के वध करने की आज्ञा दी और स्वामी कार्तिकेय देवताओं की सेना को लेकर उनका सेना ग्रहण करके दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चले गए उस समय देवताओं ने धुंधबी और नगाड़े बजाए देवांगनाओं ने पुष्पों की वर्षा करी तब अग्नि ने स्वामी कार्तिकेय को अपनी शक्ति दी चंद्रमा ने अपना वाहन दिया तथा सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर उसके साथ दैत्यों को मारने के लिए युद्ध करने के लिए चल दिए उस समय देवता और दैत्यों का महा घोर युद्ध हुआ और देव सेना ने दैत्य सेना को स्वामी कार्तिकेय के, के सेनापति में मार मार कर भगाना आरंभ कर दिया और दैत्य सेना के रुधिर से नदियां बहने लगी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दैत्यों पर अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगे तथा स्वामी कार्तिक ने बाणों की वर्षा करके तारकासुर राक्षस को चारों ओर से ढक दिया उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने एक बाण तारकासुर की छाती में मारा वह बाण की पीड़ा से हाहाकार करता हुआ रुधिर का वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया तब आकाश में खुशी के नगाड़े बजने लगे और गंधर्वगण गं तथा देवताओं ने स्वामी कार्तिक पर पुष्पों की वर्षा करी स्वामी कार्तिक ने विजय पाकर अपने माता पिता के चरणों में शीश नवाया और पार्वती जी ने अत्यंत हिस्ने स्नेह के साथ अपने पुत्र का आलिंगन करके उसके मुख को चुमा और प्रेम से गदगद हो गई राक्षस की मृत्यु के पश्चात उसकी सेना के जो दैत्य बचे हुए थे वे पाताल में भाग गए ईश्वर कहते हैं यह सब कुछ स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिक मास में द्वादशाक्षर मंत्र के जपने तथा कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से किया उसके बाद क्रोच पर्वत पर जाकर द्वादशाक्षर मंत्र का श्रद्धा से विधि पूर्वक तपस्या और जाप करने लगे तुलसी महारानी जी की आरती सुनते हैं तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो बन तुलसी कियो मैया शालग राम महा जाके मंज महापटरानी कोमल मैया श्रीपति चरण कमल लपटानी धूप दीप नैवेद्य आरती मैया पुष्पन की वर्षा बरसानी छप्पन भोग छतीसो व्यंजन मैया बिन तुलसी हरि एक नमानी सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया भक्तो वर दीजे महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो इस तरह आज हमने कार्तिक मास का तीसवा और इकतीसवा अध्याय सुना आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद